हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विही। हमने पहले अर्मेनिया के बारे में बात की है, जो रशिया से अलग होकर इंडिपेंडेंट नेशन बना है। आज हम उसके नेबर कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये कंट्री भी रशिया से ही अलग हुआ है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत आर्किटेक्चर के नमूने देखने को मिल जाते हैं। इसका नाम है अजरबैजान। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये वहाँ की तस्वीरें हैं, पर्वत भी देखने को मिल जाते हैं वहाँ पर। ये देखिए, ये एक वहाँ का बेहतरीन आर्किटेक्चर नमूना है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये भी एक आर्किटेक्चर के बेहतरीन नमूनों में से एक है। चलिए वर्ल्ड मैप में इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये है हमारा भारत, और यहाँ से हमें अजरबैजान जाने के लिए उत्तर पश्चिम की ओर जाना होगा। यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट की बॉर्डर पर आया हुआ है अजरबैजान। यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, जूम इन कर लेते हैं इसे। ये देखिए, ये पूरा अजरबैजान कंट्री, और यहाँ पर छोटा सा पार्ट है अलग से, वो भी अजरबैजान का ही पार्ट है। यहाँ पर है आर्मेनिया, जिसके बारे में हमने पहले बात कर ली है, और आज हम अजरबैजान के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर आया हुआ है अजरबैजान। ये एरिया भी अजरबैजान में आता है। उसके नेबर कंट्रीज कुछ इस तरह है। यहाँ ऊपर है रशिया, फिर है जॉर्जिया, यहाँ पर आर्मेनिया, यहाँ पर तुर्की से छोटी सी बॉर्डर शेयर करता है, करीब 8 किलोमीटर की, और नीचे है ईरान, और इस तरफ पूरा समुद्र है। ये है वहाँ का नेशनल फ्लैग। ऊपर स्काई कलर है, बीच में रेड और लास्ट में ग्रीन। रेड कलर के बीच में मुस्लिम धर्म का जो सिंबल है, चंद्र और स्टार, वो बने हुए हैं। अजरबैजान 18 अक्टूबर 1991 को आज़ाद हुआ, और उसी दिन को इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। वहाँ पर 28 मई को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। 28 मई 1918 को अजरबैजान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना हुई थी, और उसी को रिपब्लिक डे के तौर पर मनाया जाता है। 1990 के बाद ये दिन वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये है अजरबैजान की असेंबली। अजरबैजान का ऑफिशियल नेम है अजरबैजानी रिपब्लिक। ये है वहाँ की कैपिटल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स बने हुए हैं। ये आर्किटेक्चर के बेहतरीन नमूने हैं। वहाँ की कैपिटल का नाम है बकू। अजरबैजान की करेंसी को अजरबैजानी मनत कहा जाता है, और कुछ इस तरह दिखती है वहाँ की करेंसी। ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर अली असडो, ये उनकी तस्वीर है, और ये है वहाँ के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव, ये उनकी तस्वीर है। अजरबैजान की पॉपुलेशन है 1,01,39,177। वहाँ का लैंड एरिया है 86,600 स्क्वायर किलोमीटर्स। वहाँ की कोस्ट लाइन है 713 किलोमीटर्स। वहाँ का कॉलिंग कोड है +994, और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है अजरबैजानी। हमने जब आर्मेनिया के बारे में बात की थी, तब भी बताया था कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लैंड डिस्प्यूट चल रहे हैं। जिस जगह के लिए डिस्प्यूट चल रहा है, उसका नाम है नागोर्नो और काराबक। यहाँ पर लोकेटेड है ये जगह। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर डिस्प्यूट चल रहे हैं, वैसे ही इन दोनों कंट्रीज़ के बीच भी चल रहा है। काफ़ी सालों से ये लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। अजरबैजान की कैपिटल बकू में एक बहुत ही अजीब म्यूज़ियम आया हुआ है, कारपेट म्यूज़ियम। जो कारपेट हम अपने घरों में ज़मीन पर बिछाते हैं, उसी कारपेट का वहाँ म्यूज़ियम है। यह म्यूज़ियम 2014 में शुरू हुआ था।
बाहर से देखने पर कुछ इस तरह दिखता है ये म्यूजियम, जैसे कोई बड़ा सा कारपेट रोल करके रखा गया हो। अंदर ऐसे अलग अलग डिजाइन के कारपेट देखने को मिल जाते हैं। KFC का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। दुनिया की सबसे बड़ी KFC अजरबैजान में आई हुई है। KFC के 18,800 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजीज हैं और 118 कंट्रीज़ में ये फैली हुई है। ये वहाँ की KFC की तस्वीर है, दुनिया की सबसे बड़ी KFC। अजरबैजान पहला ऐसा कंट्री है जो इस्लामिक कंट्री है और उसने लोकतंत्र को अपनाया। अजरबैजान के नाम में आगे जो अजर है उसका मतलब होता है आग, और अजरबैजान के लोग हजारों सालों से आज तक आग की पूजा करते आए हैं, उसे भगवान मानते हैं। अजरबैजान की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें मेजॉरिटी तुर्किक और सिया मुस्लिम है। अजरबैजान से कई सारे फेमस लोग बाहर आए हैं, जिसमें कई साइंटिस्ट हैं, म्यूजिशियंस, थिंकर्स, पोएट्स, फिलोसोफर्स और आर्किटेक्ट्स, ये सब शामिल हैं। अजरबैजान 1918 से 1920 तक आज़ाद रह चुका है और उसके बाद वो फिर से सोवियत यूनियन में शामिल हो गया था अगले 70 सालों के लिए, और 70 साल बाद 1991 में वो फिर से आज़ाद हुआ। 1920 में अजरबैजान जब सोवियत यूनियन में फिर से शामिल हुआ, उससे पहले वहाँ पर करीब 2,000 मस्जिद थी, जिसमें से ज़्यादातर को 1930 में बंद कर दिया गया। करप्शन वहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देश की जो सबसे बड़ी समस्या है उसमें से करप्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बाकू में दुनिया का सबसे पहला ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म है। ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि समुद्र के बीच में एक प्लांट लगाकर समुद्र के तल से पेट्रोलियम निकालना। हमारे इंडिया में भी ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म्स है, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है मुंबई के नज़दीक जो आया हुआ है। वो दुनिया में सबसे पहला ऐसा प्लांट बाकू में लगा था। बाकू को विंडी सिटी या सिटी ऑन हिल के नाम से भी जाना जाता है। नवरोज जो कि एक त्यौहार है जो मार्च 20 से लेकर 24 तक मनाया जाता है, वो अजरबैजान में सबसे ओल्डेस्ट नेशनल हॉलीडे है। जैसे हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती वैसा नेशनल हॉलीडेज है, वैसे अजरबैजान में भी बहुत सारे नेशनल हॉलीडेज हैं। उसमें सबसे पुराना है नवरोज़। नवरोज़ अजरबैजान के अलावा और 11 कंट्रीज़ में भी मनाया जाता है, जिसमें है ईरान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, अल्बेनिया, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया एंड ऑटोनॉमस रीजन ऑफ कुर्दिस्तान। हमने जब अफगानिस्तान पर वीडियो बनाया था उसमें भी हमने नवरोज़ के बारे में बताया था। अजरबैजान में दुनिया में सबसे ज़्यादा मड वोल्केनोज आए हुए हैं। मड वोल्केनोज क्या होते हैं? हम जिस वोल्केनो को जानते हैं, जिस ज्वालामुखी को जानते हैं, जो आग उगलता है, गर्म लावा बाहर फेंकता है, मड वोल्केनो उससे बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। ये बहुत ही चिल्ड, बहुत ठंडा लावा बाहर फेंकते हैं। दुनिया में 700 के करीब मड वोल्केनोज है, उसमें 350 जितने तो सिर्फ अजरबैजान में ही है। कुछ इस तरह दिखते हैं मड वोल्केनोज। यहाँ पर आप देख सकते हैं लावा निकल रहा है और आसपास फैल रहा है। ये जो छोटा छोटा पर्वत जैसा बना है ये सब मड वोल्केनो की वजह से बने हुए हैं। यहाँ पर इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, यहाँ ऊपर से लावा निकल कर नीचे बह रहा है और ये पर्वत जैसा बन गया है। ये सब मड वोल्केनो से बने हुए पर्वत हैं। आई होप अजरबैजान के बारे में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।